दोस्तों एक थ्योरी के हिसाब से कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिरामिड्स का सीधा कनेक्शन स्टार्स और दूसरी दुनिया से है, जिसे सिर्फ इजिप्शियन ही जानते थे। 1983 में रॉबर्ट बुवाल द्वारा दी गई थ्योरी को ओराइन कोरिलेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी को समझाने के लिए रॉबर्ट बुवाल ने द ओराइन मिस्ट्री नाम की एक बुक भी लिखी है। पिरामिड्स के तारों से जुड़े होने की संभावना तब सामने आई जब पहली बार गीजा के ग्रेट पिरामिड्स की एरियल इमेज ली गई। इमेज में पिरामिड्स को बड़े ही अजीब से पैटर्न में पाया गया। इस पैटर्न में दो बड़े पिरामिड डायगोनली बनाए गए थे और तीसरा पिरामिड सबसे छोटा इनसे अलग और कुछ दूरी पर था। ये पैटर्न ठीक ओरायन बेल्ट में मौजूद स्टार के पैटर्न से मेल खाता है, क्योंकि ओरायन बेल्ट में दो ब्राइट स्टार्स है और एक डिमर स्टार है। इतनी बड़ी घटना मात्र एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकती। अगर हम ग्रेट पिरामिड की लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में देखें तो एक आश्चर्य की बात सामने आती है। पिरामिड का कोऑर्डिनेट नंबर स्पेस में मीटर पर सेकंड की गति से ट्रैवल कर रही लाइट की स्पीड के बराबर है। ये सब कुछ एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक अद्भुत ज्ञान इजिप्शियन के साथ ही लुप्त हो गया हो।